वेलकम स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन उर्दू चैप्टर 9 में जो नज़म है फाख्ता की आवाज़, जो मशहूर शायर जोश मले आबादी की लिखी हुई है, उसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे चैनल में 5 ईयर्स का सॉल्व अपलोड कर दिया गया है। पाँच नंबर सवाल, फ़कीर अहमद गोया कौन थे और जोश से इनका क्या रिश्ता था। फ़कीर अहमद गोया एक खुश फिक्र शायर थे और जोश के परदादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोश की सरकारी रिसाला के मदीर आला बनाए गए, तो उनका जवाब होगा दिल्ली से शाया होने वाला सरकारी रिसाला माहनामा आजकल के मदीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोश का पहला शायरी मजमुआ कब और किस नाम से शाया हुआ। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट से, जोश का पहला शायरी मजमुआ रूहे अदब 1921 में शाया हुआ। आठ नंबर सवाल, जोश के चंद शायरी मजमुओं के नाम बताएं, तो जवाब होगा शोला व शबनम, फिक्र व निशात, जुनून हिकमत, सैफ व सबूर, रमेश व रंग वगैरह इसके शायरी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोश ने पाकिस्तान कब हिजरत की, तो जवाब होगा 1956 ईस्वी में पाकिस्तान की राह ले ली। 10 नंबर सवाल, जोश को हुकूमत हिंद ने कौन सा एजाज़ अता किया था, तो जवाब होगा पद्म भूषण से नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोश की चंद नज़मों के नाम बताएं, तो जवाब होगा गंगा का घाट, बदली का चांद, प्रसाद की बहार, जामुन वलियां, मालन अलवेली सुबह वगैरह इनकी जिंदा जावेद नज़में हैं। नेक्स्ट, जोश के दो अहम असरों के नाम बताएं, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, जिक्र व मुरादाबादी और फराग गोरखपुरी जोश के दो नामूर हम असरों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोश का इंतकाल कब और कहां हुआ, तो ये भी सवाल इम्पोर्टेंट से इम्तहानात में आते हैं, जवाब होगा 12 फरवरी 1982 ईस्वी को इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी। ये ऐसे क्यू क्वेश्चंस, आइए हम लोग MCQ क्वेश्चंस कुछ हल करते हैं। पहला नंबर सवाल ये है, जैसे यूकुब गर्क शेवन में मिसरा किस नज़म है, जवाब होगा ऑप्शन अलिफ फाख्ता की आवाज़। जोश की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है, तो ये भी जवाब फाख्ता की आवाज़ से लिया गया है। जोश की खुद नवेस्त शवानी उमरी का नाम क्या है, तो जवाब होगा यादों की बारात, ऑप्शन दाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोश के कितने मजमू कलाम मंजर आम पर आए, तो 15, ऑप्शन जीम होगा। अगला सवाल, जोश को बावकार कौमी एजाज़ पद्म भूषण कब से नवाजा गया, 1954 ईस्वी में, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, फाख्ता को किस चीज़ की अलामत समझा जाता है, तो जवाब होगा अमन। बे, जोश को वरासत में कौन सी चीज़ें मिली थी, शायरी, ऑप्शन बे जिम होगा। अगला सवाल, जोश का इंतकाल कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में लाहौर। इनमें से कौन जोश के हम असर नहीं है, तो शमसुल रहमान फारूकी, ऑप्शन दाल होगा। नेक्स्ट सवाल, जोश बुनियादी तौर पर कुछ जन के शायर हैं, तो ऑप्शन होगा अलिफ नज़म। नेक्स्ट, बेहूगी नो उरूस के जैसे मिसरा खालिक कौन है, तो जोश होंगे, ऑप्शन अलिफ नज़म। फाख्ता की आवाज़ किसकी तख्लीक है, तो ऑप्शन होगा जीव जोश मले आबादी।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करें।